अपने जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि 23 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, ठीक है, इश्के ना। हेलो एवरीवन, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार कल का व्लॉग जहाँ पे एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करने लगा, जैसे कल मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ मौला जट मूवी देखने। हाय 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 मजे। तो यार अभी मैं रेडी होने लगा हूँ क्योंकि मूवी में तकरीबन घंटा डेढ़ ही रह गया, तो वहाँ पे निकलते हैं ईशा की नमाज पढ़ के। तो सबसे पहले मैं तैयार होता हूँ। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार लाजमी सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल का बटन दबा के ऑल पे कर दो कि आपको मेरे आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दानिशान व्लॉग्स। A few moments later. तो यार फाइनली आपका भाई तैयार शायद हो गया। आपका भाई ने ब्लू कलर की स्वेट शर्ट पहन ली। आपका भाई फुल चमैक्सी लग रहा है। नहीं यार, तो उबर मैंने मंगवा ली यार। तो सिनेमा पहुंचते हैं जल्दी से, टाइम कम ही रह गया, घंटा तकरीबन रह गया। तो सिनेमा पहुंचते हैं, वहां जाकर फिर आपसे मुलाकात होती है। 20 minutes later. तो यार फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। रश आप देख सकते हैं, पार्किंग गाड़ियों की फुल हो गई इस टाइम यहाँ पे। इसका मतलब ऊपर बहुत ज्यादा रश है। तो यार ये सामने किया वाली गाड़ी में मैं यहाँ पे आया हूँ। रिसेंटली मैंने ये गाड़ी ली है और देखे कितनी जोम लश पश कर रही है, और मैंने पार्क भी कर लिया, कल भी धुलवाई है। तो यार लगता है सारे यहाँ पे आज आ गए हैं। जो बीवी से तंग है वो भी आ गए हैं, जो बच्चे पढ़ाई में नलायक है वो भी आ गई हैं, और जो माँ बाप की बिगड़ी औलाद जैसे आपका भाई वो सारे लगता है यहाँ पे मूवी देखने के लिए आ गए। अभी चलते हैं ऊपर सिनेमा में, फिर टिकट लेते हैं। तो यार सिनेमा की एंट्रेंस में देखे कितनी खूबसूरत फ्लैक्स लगाई उन्होंने मौला जट की, और इस तरह भी लगाई है। तो यार ये भी एक कैफ़े है जहाँ पे आपको रेड बुल अदर थिंग्स मिल जाएंगी। तो ये सिनेमा का नीचे वाला हॉल है, ऊपर जो है मूवी वाला हॉल है। अभी ऊपर चलते हैं, सामने भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी शान की मूवी न्यू आने वाली है, इसकी भी फ्लैक्स उन्होंने लगा दी है। इसका नाम है जलाल, इसकी भी फ्लैक्स लग गई है तकरीबन। आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये पाकिस्तानी मूवी आई है मेरे ख्याल से रंग इश्के दा पंजाबी, और इसकी भी फ्लैक्स लगा दी इन्होंने। अब ये फ्लैक्स लगाने लग गए हैं, पहले ये फ्लैक्स यहाँ पे नहीं लगती थी। ये एंट्रेंस है ऊपर सिनेमा के, ऊपर चलते हैं। यार फाइनली मैं ऊपर सिनेमा में आ गया हूँ। यार सामने एक मशीन लगी थी जहाँ पे टिकट मिलती थी, अब वो मशीन नहीं है। वहाँ पे सामने एक मशीन लगी हुई थी जहाँ पे टिकट मिलती थी, वो मशीन यहाँ से रिमूव कर दी है। अभी यहाँ पे किसी से बात करते हैं भाई, इससे पूछते हैं क्या इशू है। मशीन वगैरह रिमूव कर दी है, अब जो आपका कोड है वो आप जब अपनी वो सिनेमा में जाएंगे आप वहाँ से देख लेंगे। आपकी वन स्क्रीन है या टू स्क्रीन है, और वहाँ पे जाए तो वो कोड को स्कैन करेंगे और आपकी टिकट आपको मिल जाएगी। पॉपकॉर्न ड्रिंक्स जितने भी हैं वो आपको काउंटर पर जाके दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये मशीन वाला सीन अभी यहाँ पे खत्म हो गया। तो यार ये जो सामने मैडम है ये जाना मलिक है, ड्रामा एक्ट्रेस हैं। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम इनको देखा है कि ये ड्रामा एक्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पे लोग आए हुए इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। जाना मलिक इनका नाम है। तो इनके साथ मैम के साथ एक सेल्फी भी लेते हैं, बात करते हैं मैम से। मैंने तो मैम को पहली बार ही देखा, गूगल पर भी सर्च करके देखते हैं मैम कौन कौन से ड्रामों में आई हैं। सारी जिंदगी हो गई से तस्वीरें लोगों की बनाती है, उसकी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। तो यार जाना मलिक जो है वो एक्ट्रेस हैं, उनसे मुलाकात तो तकरीबन हाय हेलो ही होगी। काफ़ी लोग यहाँ पे उनके इंटरव्यू के लिए आए थे, तो मैंने भी उनके साथ सेल्फी ले ही लिया। तो यहाँ पे आई हुई हैं, तो इसके अलावा भी कुछ लोग आए हैं लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। सामने भी कुछ यहाँ से टीवी एंकर ही आए हुए हैं,
मूवी पे 10-15 मिनट रह गए, अभी मूवी देखते हैं, मूवी देखने चलते हैं, टाइम अभी हमारा कम रह गया, पॉपकॉर्न वगैरह भी लेने हैं अभी। स्क्रीन 3 है हमारी, मैम ऐसे मूवी देखने के लिए आई हुई है इधर, तो मैम के साथ उनकी वालदा है, हम भी मैम के पीछे पीछे ही हैं, हम जाके अपने पॉपकॉर्न भी लेते हैं यार। काउंटर पे तो गर यहाँ पे मेरी मैडम से मुलाकात हुई, सदफ नाम है इनका। मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। कैसे यहाँ पे आना हुआ आपका? जी जी बिल्कुल लगा हुआ है, पंजाबी फिल्म है ये, रंग इश्के आपकी मूवी है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, ये आपके फ्रेंड है, तो आप प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हैं? जी, हम लोग प्रमोशन के लिए आए हैं और आज इसके म्यूजिक की लॉन्च भी। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और बल्कि मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं सबको ये कहना चाहूँगी कि 23 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, ठीक है, इश्के दा, ठीक है, तो प्लीज आप लोग जाके इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इसमें बहुत अच्छी कास्ट है, इसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब है, नगमा बेगम है, मदिया शाह जी हैं, और अली अब्बास सैयद हैं, और इसके बाद जारिया खान हैं, आमना राही हैं, और भी बहुत सी कास्ट है इसमें। जो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है ना, वो इफ्तिखार ठाकुर साहब को लेके मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो तो रोते हुओं को भी जो है ना हंसा देते जी। तो प्लीज़ आप लोगों ने जाना है 23 दिसंबर को रंग इश्के का देखें। इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर भी आएंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार पॉपकॉर्न में पानी लेके मैं बैठ गया जब वेटिंग रूम में, अभी 5 से 10 मिनट रहते हैं मूवी स्टार्ट होने में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हैं, कुछ लोग सामने से अब खाना पीने का सामान ले रहे हैं। तो यार इस बार लार्ज पॉपकॉर्न मैंने दिए हैं, क्योंकि पिछली बार मीडियम और स्मॉल लिए थे, तो उसे दाल भी नहीं गीली हुई आपके भाई की, कुछ भी नहीं बना यार, तो मूवी 2 ढाई घंटे की है, तो स्मॉल या मीडियम पॉपकॉर्न बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये लार्ज नहीं है कि जितनी मूवी है बंदा स्कूल से जो आप पॉपकॉर्न भी इंजॉय करे, वरना यहाँ वहाँ देख के इंसान के मुँह में पानी आता है, तो समझ रहे हो। अभी मूवी में 10 मिनट रहते हैं, मूवी स्टार्ट होते फिर अंदर जाके मिलते हैं आप। यार अभी तो लाइन में सारे खड़े हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएगी, अभी अंदर क्लीनिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं अभी सब लाइन में खड़े हैं, अंदर चलते हैं तो फिर मिलते हैं। A few moments later. Two hours later. तो यार फाइनली शो तो खत्म होगा, लेकिन अभी 11:30 का शो स्टार्ट होने लगा, लाइन लगी है 11:30 के शो की, अभी भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। तो यार मूवी बस ठीक थी, इतिहास नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, अपना अपना शो का लोग कहते हैं मरी कमाल, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी मंगवाते हैं ऊबर, चलते हैं घर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, घर जाकर मिलते हैं। तो यार मूवी देखकर फाइनली घर आ गए, वो भूखा भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगी, जैसे पॉपकॉर्न खाए थे। तो ये वसंतपुरा में हमारे बच साहब हैं, इनका सूप बड़े ही कमाल है, तो मैंने कहा यार सूप भी पीते हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो यार फाइनली मैं अपने कमरे में आ गया हूँ यार, मूवी का इतना मजा तो नहीं आया मुझे, लेकिन चलो एक इंटरटेनमेंट हो गई यार, वो इंसान को हर हफ्ते या महीने में 1-2 बार करनी चाहिए। अच्छा व्लॉगिंग भी हो गई मेरी। तो यार आते साथ भूख बड़ी तगड़ी लगी थी, सूप शूप पिया, मैंने कहा यार सूप शूप मेरा फेवरेट है, तो सूप पिया, बज का बड़ा ही फेमस है वसंतपुरे में, अच्छा सूप है यार, नॉट बैड है, बड़ा ही मजा आया। तो यार जाना मलिक से भी मुलाकात हो गई है, उनके काफ़ी फेमस ड्रामे जिसमें लंडा बाजार आता है, किस दिन मेरा विवाह होगा, एक ये है और एक जहेज है, काफ़ी अदर भी उनके बड़े फेमस ड्रामे हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो यार अभी मैं कपड़े चेंज करने लगा हूँ, फिर करेंगे रेस्ट, फिर कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। The next day. तो यार वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर डे। तो यार आपका भाई बड़े ही सोया, कुत्तों वाली नींद आई थी, मैं कहता हूँ ऐसे सोया तो बता नहीं सकता आप। तो यार व्लॉग अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे कंप्यूटर को मौत पड़ी हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया यार, विंडो चल नहीं रही, ब्लू स्क्रीन आ जाती, कल रात का इसको ठीक करने में मैं लगाऊँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो यार, ये अभी दबाया इसको F1, अभी जैसे ही विंडो स्टार्ट होती है ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है, पता नहीं इसको क्या मौत पड़ गई है यार। मैं व्लॉग अपलोड करने पे बैठा हूँ, एडिटिंग करने को बैठा हूँ यार, ये देखो ये ब्लू स्क्रीन आ रही है।
तो मैंने काफ़ी कोशिशें की हैं लेकिन ये सही नहीं हो रही यार। मुझे विंडो करने में इशू नहीं है, विंडो तो 10 मिनट में हो जाएगी लेकिन मेरा काफ़ी डाटा सी में पड़ा हुआ है, वो सारा लॉस हो जाएगा, उसको रिकवर भी करना है। तो यार इसका भी देखते हैं क्या करना, फिर व्लॉग को एडिटिंग करके अपलोड भी करना। सबसे पहले करेंगे नाश्ता, क्योंकि आपको पता हुआ नाश्ता तो बहर एक ही है, और जल्दी से करते हैं नाश्ता, भी नाश्ते के बाद मिलते हैं। A few moments later. तो यार फाइनली विंडो शिंडो मैंने कर ली है, ठीक है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा हार्ड थी, उसमें मैंने विंडो की है, और सी का डाटा जो इम्पोर्टेड था वो उठा के मैंने अब कॉपी कर रहा हूँ दूसरी ड्राइव में। तो अब ये जैसे ही कॉपी होगा अब दोबारा सी को फॉर्मेट करके एक दोबारा विंडो करूँगा, तो यार दोबारा भी जो है मेरा बिल्कुल A1 हो जाएगा सिस्टम, और दोबारा भी जो अपनी एडिटिंग शेडिंग करके काम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। पर ये थोड़ा सा डाटा रह गया, अब देख सकते कॉपी हो रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है फिर अपना सी में फॉर्मेट करके सी में दोबारा विंडो करता हूँ, ये वाली विंडो दोबारा डिलीट कर दूँगा, अभी कुछ भी इंस्टॉल मैंने नहीं किया। तो यार तब से यही लगा हूँ, कहीं बाहर भी नहीं निकला मैं, तो रात के तकरीबन 10 बज गए, खाने का भी टाइम हो गया और खाना भी खाते हैं, अभी खाने का मैं वेट कर रहा हूँ। तो यार खाना वगैरह मैंने खा लिया, अंधेरे में ही खाया, मोबाइल की टॉर्च ऑन करके लाइट अचानक चली गई थी। तो यार विंडो मैं दोबारा सी में कर रहा हूँ, डाटा वगैरह सारा मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी यार विंडो के बाद सॉफ्टवेयर करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, अभी काफ़ी काम रहता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं विंडो के बाद मुकम्मल सेटिंग में। तो यार रात इसी में गुजर जाएगी, फिर व्लॉग एडिट करके अपलोड करने हैं, तो यार अभी काफ़ी काम है। तो आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करने लगा हूँ, तो यार लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, ओके फिर।